की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाने जा रही है। इंडियन नेवी 18 कन्वेंशनल और 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की फ्लीट को अपनी अंडरवाटर फ्लीट को इम्प्रूव करने के लिए बनाने जा रही है। स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस ने कहा कि इंडिया 18 कन्वेंशनल और 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने जा रही है। इससे पहले इंडियन नेवी के पास 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स है और एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो कि रशिया से लीज पर ली गई है। इसके साथ ही इंडिया के पास एक अरिहंत क्लास सबमरीन है। इंडियन नेवी ने 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ ही बनाने का प्लान शुरू किया था। अरिहंत क्लास एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जिसे एक न्यूक्लियर मिसाइल से इक्विप किया गया है। ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी इंडिजनसली बनाई जाएंगी। ये सबमरीन्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप में बनाई जाएंगी। अभी इंडियन नेवी रशियन ओरिजिन किलो क्लास, जर्मन ओरिजिन की HDW क्लास और लेटेस्ट फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स कन्वेंशनल डोमेन में डिप्लॉय कर रही है और वहीं उसके पास न्यूक्लियर सेक्शन में INS चक्रा सबमरीन जो कि एक अकुला क्लास सबमरीन है जो कि रशिया से लीज पर ली गई है उसे ऑपरेट कर रही है। इंडियन नेवी ने कमेटी को इन्फॉर्म किया कि पिछले 15 सालों में सिर्फ 2 नई कन्वेंशनल सबमरीन्स ही इंडियन नेवी में इंडक्ट की गई हैं जिसमें स्कॉर्पियन क्लास वेसल्स INS कलवरी और INS खंदरी शामिल हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया था कि पुरानी 13 कन्वेंशनल सबमरीन्स 17-31 ईयर्स ओल्ड हैं। इसके साथ ही इंडियन नेवी 6 न्यू सबमरीन्स अपने प्रोजेक्ट 75 के अंडर बनाने जा रही है जिसमें वो 6 मोर कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाएंगी जो कि इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन कंपनीज और फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप में बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पॉलिसी में शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।